सुल्तानपुर में नव निर्वाचित चेयरमैन प्रवीण अग्रवाल को शपथ दिलाने प्राविधिक शिक्षा एवं जिले के प्रभारी मंत्री पहुंचे थे। विपक्ष पर हमलावर होते हुए उन्होंने संसद के शुभारंभ कार्यक्रम में विपक्ष के शामिल नहीं होने के मुद्दे पर कहा कि सदन में सत्ता पक्ष ही नहीं विपक्ष भी बैठता है, संसद संवैधानिक व्यवस्था है, इस पर राजनीति करना अच्छी बात नहीं। मंत्री ने कहा कि सबसे पहले मैं सुल्तानपुर के मतदाताओं का बहुत आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने प्रवीण अग्रवाल को भारी मतों से जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संसद लोकतंत्र की आत्मा है, संसद को राजनीति का अड्डा बनाएंगे, उसके उद्घाटन और शिलान्यास पर राजनीति करेंगे तो मैं इससे बड़ा निंदनीय कार्य कुछ भी नहीं मानता हूं। उन्होंने कहा कि मैं यही कहूंगा कि संसद के उद्घाटन में सबको आना चाहिए, सरकार ने सबको निमंत्रण दिया है, अच्छी भावना के साथ उसमें प्रतिभाग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से ओबीसी आरक्षण को लेकर जो सवाल उठाया गया है, पत्र में जो विषय उठाया गया है वह मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के भ्रष्टाचार के मामले में हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलेंगे, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल का जिलाधिकारी जसजीत कौर और एसपी सोमेन वर्मा ने मंच पर स्वागत किया और तमाम बीजेपी के नेता मौजूद रहे। नव निर्वाचित नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने सभी मतदाताओं का आभार जताया। सबसे पहले मैं सुल्तानपुर के सभी निवासियों को अपनी सरकार के मुख्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, एनडीए के तीनों दलों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और उनका धन्यवाद देता हूं कि आपने जिस प्रकार से प्रवीण जी को जिता करके हमारे ऊपर भरोसा जताया है, आपका जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है। सुल्तानपुर से नाव 44 के लिए अशोक गौतम की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाव 44 न्यूज चैनल।